नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का मिशन गणित का दिनांक 9 सितंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हुआ। हमारा आज का टॉपिक है रेखाएं व कोण, तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण यानी एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं? जब वेन डू यू नो वेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सम एंगल आर फॉर्म। विनी रियली विनी विच एंगल्स आर फॉर्म। देखो अब टू जब दो लाइन है उसको एक लाइन ट्रांस दो लाइन हमने लिया उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करता है डिफरेंट पॉइंट पे, तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा, इसे तिर्यक रेखा कहते हैं। अब इसमें कुछ एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ तो देखिए आठ तरह के, पहले वाले लाइन पे आठ एंगल बन मतलब चार लाइन एंगल और चार एंगल बन रहे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये नाम दे दिया। वेन टू लाइन्स ए एंड बी इंटरसेक्ट बाई ट्रांसवर्सल लाइन पी एट एंगल्स फॉर्म एज शोन इन द एबव फिगर एंड आउट ऑफ एट एंगल्स सम पेयर ऑफ एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ऑन ट्रांसवर्सल। अर्थात जब दो रेखाएं ए और बी एक तिर्यक रेखा पी द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है जैसा कि ऊपर चित्र में दिया दिखाया गया है, तो आठ कोण बनते हैं। इन आठ कोणों में से कुछ कोण संगत कोण कहलाता है, कुछ एकांतर कोण, कुछ तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बना अंतः कोण कहलाते हैं। अब देखिए संगत कोण किसे कहते हैं? संगत कोण ऐसे कोण होते हैं जिनके शीर्ष अलग अलग होते हैं, जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं, दो रेखाओं के अनुरूप संगत स्थिति में होते हैं ऊपर या नीचे। जैसे ये देखिए ये लाइन है, अब ये लाइन के और दूसरा ये लाइन के, तो दोनों का शीर्ष अलग अलग है, जैसे एक है और पाँच है, यानी ये एक ऊपर है एक दूसरा ठीक उसके नीचे है, दो है और छः है, चार है नीचे है और ये भी नीचे, आठ है, तीन है, सात है। तो इस तरह के ये पेयर तिर्यक रेखा जो कहलाएंगे एक पाँच तीन और सात दो और आठ छः और दो और छः चार और आठ संगत कोण के युग्म होंगे, अर्थात इंग्लिश में उसे करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अब देखिए ये हमने दो लाइन लिया, अब ये ट्रांसवर्सल है, कह रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल जिसे संगत कोण कहते हैं हैव डिफरेंट वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये आर ऑन सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, एक ही ओर होना चाहिए, यानी इसका ये होगा इसका ये होगा ये इसका ये होगा और इसका ये होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। अब आते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आर एंगल्स विच डिफरेंट वर्टिसेज वन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, यानी देखिए दोनों का वर्टिसेज अलग अलग होगा, लेकिन दोनों जो ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट होगा, एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा, एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा, तो दो टाइप्स कहलाते हैं। एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं? अब जब दो ट्रांसवर्सल लाइन, दो लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन से क्रॉस होता है तो डिफरेंट वर्टिसेज पे, जब देखिए ये एंगल जो होता है दोनों लाइन के अंदर का है तो ये इंटीरियर एंगल कहलाएगा, और जो बाहर बाहर के हैं वो एक्सटीरियर कहलाएगा। अब अल्टरनेट क्या होता है? अल्टरनेट होता है जब दोनों का वर्टिसेज अलग अलग हो, यानी ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स अलग अलग हो, एक इस साइड हो और दूसरा इस साइड हो, तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जब ये वाला इधर हो और ये इधर हो तो ये दोनों कहलाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कह रहा है वेयर डू यू नो वी कैन इजीली रिमेंबर दीज एंगल्स फॉर्म जेड, दे आर अल्टरनेट एंगल्स इफ दे फॉर्म एफ करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी जब हिंदी में एक बार देख ले क्या कहते हैं, एकांतर कोण वे कोण कहलाते हैं जिसके शीर्ष अलग अलग हो, यानी जब दो ट्रांसवर्सल लाइन हो तो एक ये शीर्ष हो और एक ये शीर्ष हो, तिर्यक रेखा के विपरीत हो, ये तिर्यक रेखा कहलाए तो एक इस साइड हो तो दूसरा इस साइड हो। तो एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकांतर अंतः कोण, जब दो समांतर रेखा के बीच अंदर वाला जो कोण कहलाता है एकांतर अंतः कोण कहलाता है, मतलब अंतः कोण कहलाता है, तो एक इस साइड का कोण और एक इस साइड का कोण जो कहलाएगा एकांतर अंतः कोण, यानी इसका ये होगा एकांतर अंतः कोण दो समांतर रेखाओं के अंदर लेकिन तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, जैसे चार और पाँच, तीन और छः दिया हुआ था, तो देखिए इसमें चार और पाँच कहाँ है, ये चार और पाँच और तीन और छः एकांतर अंतः कोण कहलाएगा, और एकांतर बाह्य कोण जब दो समानांतर रेखाओं के बाहर वाला कोण, जैसे ये वाला कोण है, बाहर वाला कोण बाह्य कोण कहलाता है। बाह्य कोण में जो बाहर के कोण हैं उस तिर्यक रेखा के एक इस साइड हो दूसरा इस साइड हो तो ये कहलाएगा एकांतर बाह्य कोण, ये कोण का ये कोण बाह्य कोण हो गया। तो अब देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है, वीर क्या जानते हैं कि हम इन कोणों को आसानी से याद रख सकते हैं, यदि वो जेड बनते हैं तो एकांतर कोण कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा, या अल्टरनेट एंगल। और जब एफ बनेगा, एफ बने तो यह बनेगा संगत कोण, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए कैसे बनता है या संगत कोण, देखिए ये बन रहा है एफ, ऐसे बना या ऐसे बना या ऐसे बना, एफ बना, तो ये संगत कोण कहलाता है। और जब जेड बनता है तो एकांतर अंतः कोण बाह्य कोण भी हो सकता है, एकांतर अंतः कोण बना। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, छः चार पाँच तीन तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग। अब तिर्यक रेखा देखिए ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें एक ही ओर के बने दो अंतः कोण जो होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा, 180 डिग्री, तो ये कहलाएगा एक ही ओर के
तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, ये अंतःकोणों का युग्म कहलाता है। यह होता है एक ही ओर के दो अंतःकोण, जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे चित्र में 4 और 6, 5 और 3 दिखाया गया है, तो देखिए 4 और 6 कहाँ पे स्थित है, देख यहाँ पे 4 और 6 और 3 और 5 जो है ये एंगल, 3 और 5, 4 और 6 इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड यानी एक ही ओर के दो अंतःकोण है, और 3 और 5 भी एक ही ओर के दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है। उम्मीद है समझ में आया होगा आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।